मैं पहले आपका परिचय कराऊं। हमारे बीच में अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हैं, प्रदेश के मंत्री पिंकेश जी पोरवाल हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के हमारे राजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं और डॉक्टर मनीषा राजावत हैं। ये प्रदेश के संयोजक हैं हमारे जयपुर प्रांत की मीडिया की। मैं गौरव भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रेस वार्ता को संबोधित करें। ये चल रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार और सबसे पहले परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके ही सोच और विचार पर हमेशा उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करी, महिला अस्मिता की बात करी और उस सोच को कोई आगे बढ़ा रहा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे। ये प्रेस वार्ता ऐसे अहम बिंदु पे है कि आज हम सब जानते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल कलकत्ता में एक जघन्य अपराध होता है। हमारी एक बहन के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है। और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से इस मुद्दे को उठाया है। और पश्चिम बंगाल में आप सबको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष का भी काम करती है। ये मुद्दा अहम क्यों है ये बताना बड़ा आवश्यक है, और क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और इसका एक कानूनी पहलू भी है, वो भी मैं आपके समक्ष में रखूंगा। लेकिन सबसे पहले पूरा भारत आज जो है वो आक्रोशित है, आंदोलित है, और जो महिला है वो पूरे देश में आज ये सवाल एक महिला मुख्यमंत्री से, जिसको ममता कहना गलत होगा, निर्ममता बनर्जी कहें तो ज्यादा ठीक होगा। मैं जब यहां आ रहा था तो मैं सबसे पहले एक जानकारी देना चाहता हूं। ये घटना, ये जघन्य अपराध 9 तारीख को हुआ, और 9 तारीख को ये जघन्य अपराध होता है और 13 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट फटकार लगाता है निर्ममता बनर्जी को और कहता है आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और 13 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसके कुछ अंश जब मैंने उसका अध्ययन किया तो ऐसे टिप्पणी, ऐसा फैसला है जो दिखाता है किस तरह से ममता बनर्जी के राज में, जो कि गृह विभाग भी संभालती हैं, संविधान में कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय है, किस तरह से विफल हो गई है। और यहां आते वक्त पता चला कि कल आप सबने देखा होगा किस तरह से जो रक्षक है वो भक्षक बन गया। ममता बनर्जी को खड़ा होना था पीड़ित परिवार के साथ और जो डॉक्टर हैं, जो समाज की सेवा करते हैं महिलाओं के, लेकिन ममता बनर्जी खड़ी किनके साथ थी? बताते हैं 7,000 की भीड़ इकट्ठी हुई और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है टीएमसी के गुंडे आक्रमण करते हैं, हिंसा करते हैं उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। अगर मुझे याद है ठीक 10-55 की बात, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप तुरंत जो है हॉस्पिटल आ जाइए।
उसके 25 मिनट बाद दूसरा फोन वही व्यक्ति असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करता है हॉस्पिटल का और कहता है आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और जब माता पिता अस्पताल पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो अंदर पड़ा है, तो वो कहते हैं हमें देखने दीजिए। तीन घंटे तक ये हाईकोर्ट के आदेश में है, उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही होगी, वो गिड़गिड़ाए बिलबिलाए लेकिन निर्ममता ममता की देखिए, अंदर जाने नहीं दिया। चौथी बड़ी बात है, इन डॉक्टर्स का गार्जियन कौन है, पिता तुल्य कौन है, प्रिंसिपल वहां का। प्रिंसिपल को चाहिए था कि जैसे ही उसको पता चला कि इस तरह का अपराध एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया गया है, आप FIR दर्ज आप कराते। नहीं, उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई। उन पे क्या कोई कार्रवाई ममता बनर्जी ने करी? उत्तर है नहीं। इस्तीफा दिया और उसके 12 घंटे बाद एक और जो है मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, वहां पे उनको प्रिंसिपल बना दिया। संदेश क्या था? संदेश ये था कि ये हमारा सगा है, कोई बात नहीं, अगर कोई हमारी बच्ची मारी गई इसको हम दूसरे अस्पताल में VIP पोस्टिंग देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इसे तुरंत कहिए उस पद को खाली करे वरना हम आदेश देंगे। ये ममता बनर्जी की संलिप्तता दिखाता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, बड़े भारी मन से बोल रहा हूं, और मैं जो हमारी बहन थी उसके पार्थिव शरीर की कंडीशन क्या थी उस पर इसलिए नहीं जा रहा कि वो किसी भी भाई के लिए संभव नहीं है कि वो प्रेस वार्ता में सारा व्याख्यान करे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अरेस्ट केवल एक जना होता है। जो मृतक है उसका परिवार कहता है कि हमारी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस और प्रशासन नहीं मान रहा, उसकी वजह क्या आपको मालूम है? अगर गैंग रेप हुआ है तो गिरफ्तारी एक से ज्यादा होंगी, करनी पड़ेंगी। और गिरफ्तारी हुई है केवल एक अभी तक, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए, तो इसको स्वीकारो नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कल ये खबर पूरे देश में चल रही थी।